वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और इस व्लॉग में हम कर रहे हैं एक रोड ट्रिप, और रोड ट्रिप भी एकदम से अचानक से हम लोगों का प्रोग्राम बना, क्योंकि हमारे जो वैभव भाई हैं वो काफी स्ट्रेस में थे, काफी दिनों से जो है ओवर बर्डन थे, तो बस एक स्ट्रेस को मिटाने के लिए एक रोड ट्रिप, वो भी ऋषिकेश में। तो हमारा पहला जाएगा हमारी रोड ट्रिप पर, वो भी जैन शिकंजी पे। ये है, ये कौन सी है? दोनों। तो पहला जाएगा इस रोड ट्रिप का, वो भी जैन शिकंजी फर्स्ट स्टॉप। तो इस बार हमारे साथ व्लॉग में वैभव भी होगा। वैभव का ये हमारे साथ पहला ऐसा ट्रिप है जो कि, और वो भी रोड ट्रिप है। किसी मशहूर शायर ने कहा है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप रोड ट्रिप कर लीजिए। क्यों भाई? मेरे लिए वही है। हाँ, इसके लिए वही है। भूख लगे तो अमरूद खाओ, अमरूद वो भी रेड अमरूद। यूपी में अगर अमरूद ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता, उत्तराखंड में हम तो अभी क्या देखो क्या अमरूद है एकदम। अरे ऐसे ही पकड़ा दे भाई हाथ में, हम ऐसे ही खाएंगे। तो हम लोग नदी के किनारे पर रुककर अमरूद का लुत्फ उठाते हुए, और शाम के बज गए हैं ऑलमोस्ट 5, और भूख के कारण हो गई है सबकी हालत खराब। ये देखिए और पीछे का नज़ारा, यही मजा है रोड ट्रिप का। हरिद्वार पर इस समय आरती का टाइम होने वाला है, 6:15 बजे आरती का टाइम होता है नॉर्मली हरिद्वार में। और पीछे आप नज़ारा देखिए, मंत्रोच्चारण का जो माहौल है यहाँ पे बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। और अभी हम लोग खड़े हैं एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पर गंगा जी और पीछे हर की पौड़ी का एक विहंगम दृश्य है। हमारा प्लान तो ये था कि हम लोग जरा गंगा आरती का दर्शन लेंगे, बट अभी थोड़े से लेट हो गए हम अपने होटल के लिए, और फिलहाल अब हम ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेंगे, और कोशिश रहेगी कि त्रिवेणी घाट की हम आरती देखें। बट हर की पौड़ी का एक अलग महत्व है और ऋषिकेश की गंगा आरती का अलग महत्व है। A few moments later, लोगों ने अपने हॉस्टल में चेक इन कर लिया है। थोड़ी मेरी आंख की हालत नाजुक है, बट डोंट माइंड, करेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए ब्लॉग में। और फिलहाल जो है कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे इस हॉस्टल का, और बड़ी नाइस प्रॉपर्टी है। दीजिए हमें, विल गिव यू अ क्विक टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी और आसपास के जो रेस्टोरेंट हैं, अमेजिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड। और ऋषिकेश में हम लोग अब निकल पड़े हैं राम झूला की तरफ। तो जो प्रॉपर्टी में हम रुके हैं वो है जॉस्टल। मैंने आप, अगर आपने मेरा मसूरी व्लॉग देखा होगा तो जॉस्टल हॉस्टल है, जो कि हमारे तरीके से हमारे जैसे लोगों के लिए बजट, जो बजट ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए जो है सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं अब जा रहा हूँ राम झूला की ओर, थोड़ा घाट के ऊपर बैठेंगे, गंगा घाट का दर्शन करेंगे। आरती का प्लान था हम लोगों का, बट आरती के लिए हमें टाइम मिला नहीं, तो फिलहाल हम जा रहे हैं अब गंगा घाट पर। तो मिलते हैं गंगा घाट पर। जो प्रॉपर्टी है उसका जो एक लैंडमार्क है वो है लेमन ट्री हॉस्टल। इट इज़ जो जॉस्टल है, जॉस्टल तपोवन, जॉस्टल यहाँ पे ऋषिकेश में 3 लोकेशन पर लोकेटेड है। मैं जहाँ रुका हूँ वो है जॉस्टल तपोवन। तो
फिलहाल हम आ गए हैं राम झूला पर, और राम झूला की जो वाइब्स है ना इस समय की, अमेजिंग है गाइस। और पीछे जो ये है, ये रास्ता राम झूला है, और उसके दूसरी तरफ हम लोग घाट पे अभी जाने वाले हैं। घाट के लिए थोड़ा सा ये राम झूला को क्रॉस करके नदी के उस पार जाना है, बट यहाँ का जो वाइब्स है ना अलौकिक है। हल्के हल्के मंत्रोच्चारण से जो पीछे का बैकग्राउंड में जो मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, फिनोमिनल। मतलब ऐसा लगता है कि कितना सुकून मिल गया इधर आके। तो फिलहाल चलते हैं आगे, आगे अपना रास्ता तय करते हैं यहाँ से। अचानक से हमारी नज़र एक गोलगप्पे की रेहड़ी पर पड़ी है, और गोलगप्पे हरिद्वार में आए और ना खाएं ऐसा पॉसिबल है नहीं। मनोज चल अपने बनारस वाले रूप में आ जाते हैं। गोलगप्पे को हम अवॉइड कर नहीं सकते हैं, और हमारा गोलगप्पे खाना लाजमी है। तो भीड़ देख के लगता है कि खाने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ भीड़। भीड़ ही अपने आप में इनकी क्वालिटी बता रही है कि किस तरीके की क्वालिटी होगी। अमेजिंग। वाओ, मेरा नंबर भी लगाओ यार भाई लोग। 100 रुपए। और कोई है? मैं हूँ ना दोस्त। डायरेक्टर को मत छोड़ो भाई। तो फिर मूवी कौन बनाएगा? मूवी हम बनाएंगे ना यार, मल्टीपल काम करते हैं, यहाँ सेट कर देते हैं ना फिर। तो ये भैया अच्छा, हमें मिले हैं अचानक, काफी अपने अपने आसपास काफी भीड़ को जोड़ के रखे हुए थे, देना मत वापस। अपने आसपास भीड़ को जोड़ के रखे हुए थे, और अचानक से हमारी नजर पड़ गई है। और फिलहाल बनारस की यात्रा को हम फिर से दोहराते हैं, और जैसे हमने बनारस में आगाज किया था गोलगप्पे से, और यहाँ भी हम उसी से अंदाज में आगाज कर रहे हैं। मनोज बनारस का भी गोलगप्पे, यहाँ भी गोलगप्पे, हरिद्वार का भी गोलगप्पे। भैया थोड़ा सा बताओ यार, ये कौन सी जगह है, आपके क्या खास बात है? गोलगप्पे काफी भीड़ थी मैंने देखी आपके पास। ऐसे है भैया, बस भोले शंकर की कृपा आपके ऊपर है, ऐसा कह रहे हो? गंगा मैया। वेरी गुड। तो अब ट्राई करते हैं भाई कैसा है। इसकी क्वालिटी जो है वो वास्तव में लाजवाब है गाइस। एक एक प्लेट और रिपीट। वैसे अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोगों को लग गई है भूख, और यहाँ पर जितने भी आसपास के रेस्टोरेंट हैं वो 10:30-11 बजे मैक्सिमम सभी बंद हो जाते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं खाने की तलाश में। अब देखते हैं कि ऋषिकेश में इस समय खाना कहाँ मिलता है। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिल गए हैं जहाँ पर किचन एटलीस्ट चल रही है। अब देखते हैं कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।